रामगढ़ जिले के पतरातू में शिलापट से नाम हटाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसको लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म होती नजर आ रही है। शिलापट से नाम मिटाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी अब साथ मिलकर इस मामले का विरोध कर रही है। उन्होंने जिला प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए शिलापट से नाम हटाने वाले की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पतरातू प्रखंड अंतर्गत पालू पंचायत के टोकी सूद में मुख्यमंत्री ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के तहत करीब 30 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाले वाटर फिल्टर प्लांट का भूमि पूजन बड़कागांव विधानसभा के विधायक सुश्री अंबा प्रसाद के द्वारा रविवार को किया गया था। वहीं इस शिलान्यास कार्यक्रम के शिलापट से नाम मिटाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू के कार्यकर्ताओं ने शिलापट से नाम मिटाए जाने का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की पदाधिकारियों ने एक विशेष बैठक की, जहां शिलापट से नाम मिटाए जाने के विरोध का स्वर फूट पड़ा। इस दरमियान वहां मौजूद आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय साहू, पतरातू प्रखंड के भाजपा नेता किशोर महतो सहित कई वरीय नेताओं ने इस पूरे मामले के बारे में बताते हुए कहा कि आज जिस स्थल पर विधायक अंबा प्रसाद द्वारा वाटर फिल्टर प्लांट का भूमि पूजन किया गया, उसका ऑनलाइन शिलान्यास बीते 17 फरवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इससे संबंधित शिलापट भी निर्माण स्थल के पास मौजूद था। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास, तत्कालीन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री चंद्र प्रकाश चौधरी व सांसद श्री जयंत सिन्हा व तत्कालीन विधायक निर्मला देवी का नाम लिखा हुआ था। मगर इस भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान विधायक के समर्थकों ने शिलापट से रघुवर दास, जयंत सिन्हा व चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम पत्थर से रगड़ कर मिटा दिया, जिससे जुड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है। भाजपा और आजसू पार्टी अब मिलकर विरोध कर रही है और जिला प्रशासन से 24 घंटे के अंदर नाम मिटाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पुरजोर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पंचायत पालू के टोकी सूद में 30 करोड़ की लागत से पानी टंकी का शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 में किया गया था, लेकिन उसी शिलान्यास को हमारे बड़कागांव के विधायक माननीय अंबा प्रसाद जी के द्वारा कल दिनांक 23/8/2020 को फिर से किया गया। लेकिन शिलान्यास करने के समय जिस तरह से शिलापट को छेड़छाड़ किया गया है और वहां पर जो उस समय रहे हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी का और पेयजल स्वच्छता मंत्री माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का और हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद माननीय जयंत सिन्हा जी का नाम को मिटाया गया, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और पतरातू भाजपा मंडल इसे घोर निंदा करती है और यह मांग करती है प्रशासन से कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि लोकतंत्र। 23 तारीख को पतरातू प्रखंड के पालू पंचायत में एक राजनीतिक रूप से शर्मिंदा करने वाली घटना घटी। पालू पंचायत में 2019 में पिछले सरकार ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम के तहत 30 करोड़ का एक योजना पानी टंकी का शिलान्यास देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास, वर्तमान उस समय के मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी, स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा जी और स्थानीय विधायक निर्मला देवी जी का नाम शिलापट पर अंकित किया गया था। लेकिन कल 23 तारीख को अचानक जबरदस्ती वहां के स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद ने वहां पर शिलान्यास फिर से करने का काम किया, भूमि पूजन फिर से करने का काम किया और विधायक महोदया के इशारे पर वहां पर शिलापट से कांग्रेस पार्टी के तथाकथित नेता ने वहां पर चंद्र प्रकाश चौधरी, रघुवर दास, जयंत सिन्हा जी का नाम को खरोच के उसको मिटा दिया गया, जो कि राजनीतिक रूप से गलत काम है और हमको लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में एक स्थानीय विधायक को इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। वर्तमान में जो पालू गांव में जो घटना घटी है पतरातू प्रखंड का,
2019 में वहाँ पे शिलान्यास किया गया था पेयजल स्वच्छता विभाग से, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था, चंद्रप्रकाश चौधरी जी का नाम था, स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा जी का नाम था। अभी 23 तारीख को जो वहाँ पर जो घटना घटा है कि विधायक महोदया ने फिर से जाकर वहाँ पर शिलान्यास करने का काम किया है, और वो तो किया ही किया, साथ में वहाँ पर जो नाम अंकित था पहले से, जिसमें सांसद का नाम, चंद्रप्रकाश चौधरी जी का नाम, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का नाम को खरोचा गया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रमुख मुखर होकर विरोध करता है। और अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं ली तो हम लोग इसके खिलाफ आक्रोशित आंदोलन करेंगे। गढ़ जिला के पतरातु प्रखंड के पालू पंचायत में मुख्यमंत्री पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को लेकर के बरका गांव के स्थानीय विधायिका अम्बा प्रसाद के द्वारा शिलापट पर नाम बदलने को लेकर करके पूरे क्षेत्र में एक राजनीति का माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि झारखंड सरकार में ही नाम बदलने की राजनीति और सियासत चल पड़ी है, और झारखंड सरकार के तर्ज पर ही बरका गांव के विधायक अम्बा प्रसाद जी के द्वारा शिलापट पर नाम बदलने को लेकर करके पूरी राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। शिलापट में केवल नाम बदलना और नाम लिखाने की जो होड़ मची हुई है झारखंड सरकार में, निश्चित रूप से यह झारखंड सरकार की अदूरदर्शिता का परिचायक है। झारखंड सरकार काम पर कम विश्वास रखती है, विकास में कम विश्वास रखती है, और शिलापट पर और नाम बदलने की सियासत तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते शिलापट पर नाम लिखाने की जो होड़ मची हुई है, इसकी मैं तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं और इसकी घोर निंदा करता हूं। इस पूरे मामले में विधायक अम्बा प्रसाद का कहना है कि नियमतः जो स्थानीय विधायक होता है उसी का नाम होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन लोगों का काम ही है विरोध करना। पतरातु में करीब 30 करोड़ रुपए से बनने वाली यह वाटर प्लांट से पतरातु क्षेत्र के 5000 घरों में पानी सप्लाई होनी है, जिससे लोग लाभान्वित होंगे। न्यूजीलैंड के लिए पतरातु से सहयोगी राहुल पाठक की रिपोर्ट। उनका काम ही हमारा काम, हर काम का विरोध करना। हम जो भी अच्छा काम करते हैं तो वो तो शांत नहीं रहेंगे। शांत तो तब रहेंगे जब हम अच्छा काम नहीं करेंगे। जब हम अच्छा काम करेंगे तब वो विरोध करेंगे। तो वहाँ पे देखिए, इतना तो सम्मान हम लोग दिए कि वो नियम पूर्वक, जैसे शिलापट जब भी लगता है वर्तमान में, जब भी चाहे वो नियम पूर्वक करना चाह रहे, भूमि पूजन जो कभी हुआ नहीं था, तो एक जनप्रतिनिधि के उपस्थित में अगर वो करना चाह रहे थे और हमें उन्होंने आमंत्रित किया, वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व ये जो मंत्री है उनका नाम लिखा हुआ था, फिर भी हमने उसी अवस्था में हम लोग शिलान्यास किए, जबकि किसी भी इंडिविजुअल आदमी का कोई योजना नहीं होता है। अगर मैं भी कोई योजना का अनुशंसा करूं और मेरे कार्यकाल के बाद दूसरे विधायक अगर आते हैं तो वही नियम पूर्वक उनका ही नाम। न्यूजीलैंड्स चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो WhatsApp करें। हमारा संपर्क नंबर है